हेलो गाइस, राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं निकल चुका हूँ अपना कोचिंग के लिए, लैंग्वेज स्पीकिंग कोर्स के लिए। तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से पैदल, मगर से निकल चुका हूँ मैं, बाकी आज थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, मतलब 2 बजे पहुँचना होता, लेकिन आज 2 बजने में सिर्फ 10 मिनट थे और मैं अभी घर से निकला हूँ। एक बग 53 हो चुके हैं और मैं निकल चुका हूँ। तो देखते हैं बस मिलेगी या नहीं, इसे पैदल ही जाना पड़ेगा आज जल्दी जल्दी। थोड़ा बहुत कम से कम मैं अब आज में भी मैं 2:15-2:20 तक पहुँचूँ। चलो कोई बात नहीं, जो आज मैं लेट होऊंगा, बाकी डेली ना कभी कोई ना कोई लेट आता ही है। आज मुझे लगता है आज मैं लेट आऊँगा तो टीचर डेली बोलती हैं, क्योंकि जो मेरी क्लास होती है वो उस ड्राइव से स्टार्ट करते हैं, उनको पता है कि कोई ना कोई लेट हो ही जाता है। तो आज में भी मेरे चक्कर में क्लास लेट स्टार्ट हुए। तो चलो देखते हैं, मिलते हैं जाके, अब मिलते हैं आपको अपना वहीं थोड़ा पहुंच के। अगर बस में जाऊंगा तो वो भी दिखाऊंगा सफ़र आपको क्या रहेगा, मैं टाइम से पहुंच गया बस के पास। तो मिलते हैं आपको। In the rain, every life, all time, or for life, you understand? Is something that is happening in the time, right now, or, okay? तो गाइस, मैं ना ब्रेक में ही निकल चुका हूँ अपना कोचिंग से, क्योंकि आज भाई की छुट्टी है, तो उनकी कॉल आई थी कि टाइम से आ जा, कहीं चलते हैं बाहर लिस्बन घूमने चल जाएंगे, क्योंकि कुछ काम सा था। तो इस चक्कर में ब्रेक हो गया था, मतलब कि 4:15 हो चुके हैं और 4:30-5 बजे वैसे छुट्टी हो जाती है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ आज। बाकी आज उन्होंने मुझे टेस्ट दिया, जो मेरा उस दिन टेस्ट हुआ था लास्ट दिन, तो उन्होंने मुझे टेस्ट दिया, मतलब उस पर लिखा हुआ मोहितो बेम का मतलब है वेरी गुड, मतलब कि 20 में से 18.7 नंबर है। तो मैं वो आपको दिखा दूँगा, ठीक है? अभी घर जाके उसकी फ़ोटो डालूँगा आपको, दिखाऊँगा। और अभी मैं जा रहा हूँ सीधा घर पे विमान से, फिर उसके बाद वहाँ से मैंने जाना है अपना भाई के साथ। तो देखते हैं, अगर आज से अभी बस मिल गई इसमें पैदल ही चलेंगे, बस की टाइमिंग देख लेते हैं क्या है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, दिखाते हैं मतलब बस में जाऊँगा या पैदल जैसे भी। बाकी आते हुए मैं जल्दी में था तो इसलिए मैं दिखा नहीं पाया आपको, बाकी तो मैं पैदल ही आया था। तो अभी चलो, तो भाई जिस टाइम मैं आ चुका हूँ अपना बस स्टॉप पे, और बस जो है अभी 5 मिनट में है यहाँ से, तो इसलिए मैं बस में जाऊँगा, क्योंकि पहले थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, भाई की कभी से कॉल आ रही है। तो मैं मिलता हूँ आपको बस में बैठने के बाद। तो गाइस, हम बैठ चुके हैं अपना सीट में और निकल चुके हैं हम लिस्बन की तरफ। हम दिखाते हैं आपको सीट का सफर। तो गाइस, हम उतर चुके हैं सीट में से और अब हम देखते हैं जाएंगे
जहाँ भी जाएंगे दिखाएंगे आपको, भाई के साथ जाने लेके जाएंगे मे बी इनकी रेस्टोरेंट के बाहर। ये कह रहे हैं कुछ बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है क्रिसमस वाले दिन, तो उसकी जो तैयारियाँ चल रही हैं वहाँ मेला लगना स्टार्ट हो चुका है, तो मे बी आपको वहीं जाके दिखाएंगे आप, तो मिलते हैं आपको। तो गाइस फिलहाल हम आ चुके हैं अपना मारुति मोनिज, यहाँ पे भाई ने भाई को कुछ काम है, एक बंदे के पास जाना है पीसी के बारे में, मे भी कुछ पता करना है, तो मैं अभी वहीं जाएंगे। फिलहाल वो रुके हुए हैं कुछ समोसा खाने के लिए, पीछे खा रहे हैं, पीछे ले रहे हैं, हाँ गए उन्हें पीछे रुक गया है वो। चलो हम दिखाते हैं आपको आगे का सफ़र, ठीक है। तो भाई समोसा खाते खाते हम जा रहे हैं जहाँ हमको जाना है, भाई की शॉप पे, पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं हम एक तरह से, तो मिलते हैं आपको। आगे हम सीढ़ियाँ, तो दोस्तों भाई आ चुके अपना वहाँ से पीसी लेने लेके, इन्होंने 2 महीने पहले अप्लाई कर रखी थी, उनसे करवा रखी थी, तो वो हाथ लेने आए थे जिनके हाथ में है, और हम देखते हैं कहाँ जाएंगे, तो जहाँ भी जाएंगे दिखाएंगे आपको। बाकी फ़िलहाल इन सीढ़ियों से नीचे उतर के फिर देखते हैं। चला वापस तो भाई इस टाइम निकल चुके हैं ना सिम लेने के लिए, यहाँ से दोनों जा रहे हैं आगे आगे। हम पहले मारुति मोनिज गए थे, मारुति मोनिज हम पैदल पैदल जा रहे हैं इंती दंते की तरफ, उसी शॉप पे जहाँ से हम पहले लेके जाते हैं, यह मतलब पूरी मार्केट ही है, मेन रोड मेन मार्केट है यहाँ पे। तो गाइस अभी ना मेरे को ना पीछे ना पुलिस वालों ने रोक लिया था, मतलब मैं वीडियो बना रहा था ना
तो वो देख रहे कि क्या क्या कर रहा है, मतलब वीडियो क्यों बना रहा है। तो मैंने उनको फोटो दिखाया कि आई एम यूट्यूबर, ठीक है, मतलब ज़्यादा बड़े भी नहीं, लिटल बिट, मतलब मैंने एक्चुअली मेरे जो है 900,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेरे। तो जब मैंने उनको वो खोल के दिखाया तो कहते ओके ओके गुड लक, फिर वो मान गए। फिर उन्होंने पूछा कि वीडियो क्यों बना रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं अपने जैसे इंडिया में जो लोग रहते हैं बाहर की कंट्री में उनको दिखाना चाह रहा हूँ कि पुर्तगाल मतलब कैसा है, यहाँ पे आओ टूरिस्ट वगैरह के लिए बहुत अच्छा है ये वो। मैंने फंटर मारे 2-3 तो वो भी सेंटी हो गए, तो उन्होंने भी गुड लक कहा। तो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पास का ओवरव्यू। तो अब मैं आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ मारते मुनि से इंडी रहते की तरफ का। तो वैस ये है मिंती दंते, अप्रोक्सीमेट मिंती दंते आ चुके हैं। मिंती दंते का एरिया पीछे जो है मार्टी मोनीस का था, जहाँ पे पुलिस वालों ने रोका था, आप लोगों ने भी देखा था एकदम से। वो मैं बिल्कुल स्लो करके वीडियो जरूर बनाऊंगा, स्लो करके दिखाऊंगा आपको बाकी आसपास की लोकेशन। यह सामने होटल, तो वो आपको मिलते हैं सीधा सोपरी, बाकी आसपास की मार्केट हिंदी धंधे की मेन मार्केट। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपना शॉप के बाहर, अब हम जाएंगे यहाँ पे अंदर और फिर लेंगे सिम। बाकी अपने एक भैया जो पुराने घर में जाते थे हमारे साथ, जे भी मतलब मैं भी पहले शॉप पे लगा हुआ था बीच में, तो आप लोगों को दिखाया था मैंने। तो मिलते हैं आपको अंदर चलकर ही। तो गाइस मेट्रो में से निकल के अब हम आए हैं रेस्टोर डोर रोसियो। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपका आसपास का व्यू, जहाँ पर किस्म की तैयारी हो चुकी है, दिखाता हूँ आपको बैक।